और इस वक्त एक अहम खबर, करनाल से लगातार चुनाव की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। दो जगह चुनाव हो रहे हैं, हिमाचल में विधानसभा का चुनाव खबर अभी तक पर आपको लगातार अपडेट, और हरियाणा में पंचायत चुनाव, और करनाल के फतेहगढ़ गांव में चुनाव के दौरान दो पक्षों में झगड़ा हुआ। झगड़े में दोनों पक्षों के 5 से 6 लोग घायल हुए हैं। गांव में तनावपूर्ण माहौल है, भारी सुरक्षा बल तैनात। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, हरियाणा में पंचायत चुनाव का भी माहौल है, और पंचायत चुनाव के दौरान पंच सरपंच के लिए वोट डाले जा रहे हैं और इस दौरान झगड़ा हुआ है। करनाल के फतेहगढ़ गांव में चुनाव के दौरान दो पक्षों में झगड़ा, और इस झगड़े में दोनों पक्षों के करीब 5 से 6 लोग घायल हुए हैं। गांव में तनावपूर्ण माहौल है, भारी सुरक्षा बल तैनात। एक अहम खबर, करनाल के फतेहगढ़ गांव में चुनाव के दौरान दो पक्षों में झगड़ा हुआ, और झगड़े में दोनों पक्षों के 5 से 6 लोग घायल हुए हैं। एक अहम खबर, हरियाणा के 9 जिलों में आज पंचायत के लिए चुनाव हो रहा है, सरपंच और पंच के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये झगड़े के दौरान की तस्वीरें हैं। करनाल में दो पक्षों में झगड़ा, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। और ये देखो, जैसे अधिकार होता है पोलिंग बूथ से 400-500 मीटर दूर लगाने का, ठीक है, ये हमारे प्रशासन से भी गुहार है कि उनका तो उसके पास सीधा, वो तो सब इरादा करके बैठे हुए थे, लेकिन हम तो वहां से आधा किलोमीटर दूर बैठे थे। उनके तो लड़के एकदम पड़ गए बापू जी को, सभी को बात को लेकर वोटिंग को लेकर वोट डालने गए। हाँ, और ये तो आज